काश तू भी कभी दिखाई दे। ईमान कहाँ है? बड़ी बिटिया को नाश्ता उनके रूम में दे दिया था मैंने। रूम में दे दिया था? ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। मैं उसे जाकर देखता हूँ कहीं तबीयत खराब ना हो। नहीं साहब जी, बड़ी बिटिया ठीक है। असल में उनका डाइनिंग पर आने का मूड नहीं था तो मैंने नाश्ता उनके रूम में दे दिया। अरे जब वो मेरे सामने जी चुराती है तो पीठ पीछे काम करेगी, मैं उसे देख लेता हूँ। बाबा आप बैठिए, मैं देखता हूँ जाकर। कभी कभी तो ईमान आप ही की किस्मत पे हसद होती है मुझे। इतना ख्याल रखने वाले बाबा, इतना प्यार करने वाले शौहर, कभी कभी तो सोचती हूँ कि कहीं ये नजर ही ना लग जाए। ऐसी बात नहीं है बेटा, आहत को उसकी माँ की दुआएं हैं, तभी तो उसे ईमान जैसी अच्छी बीवी मिली है। और अगर ईमान को तवज्जो मिलती है तो वो उसकी अच्छाई की वजह से। कोई किसी से मोहब्बत करने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकता। हाँ लेकिन अगर इंसान में अच्छाई हो तो वो दिल में जगह खुद बनाती है। ईमान आप ही हमसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहते भाई, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसे इन हालात के सहारे नहीं छोड़ सकता। ईमान आप ही की जिंदगी में आपकी दखल अंदाजी आहत भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई आपको गलत कहे, क्योंकि उनका रवैया आपसे मैं आज तक नहीं भूली हूं। शिफा ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं, तुम सीरियस मत लो इन बातों। और वैसे भी मुझे सिर्फ ईमान के लिए खुद को बेगुनाह साबित नहीं करना, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। कल को तुम उस घर जाओगी। मैं जानती हूँ भाई, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होगा शिफा, आहत की बदगुमानी दूर करना बहुत जरूरी है, वरना वो मुझे और ईमान को हमेशा कसूरवार समझेगा। ये कहाँ गई, और वो भी इतनी अचानक? Thank you.
सरिश, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हो गया? इज एवरीथिंग ओके? कुछ ठीक नहीं है। क्या ईमान को कुछ? वो ठीक है। तो बाबा? वो भी ठीक है। सरिश साफ साफ बताओ क्या बात है? हालत मेरी खराब है और ना जाने कब से मैं अंदर ही अंदर घुट के मर रही हूं। जिंदा हूं पर जिंदों में शुमार नहीं है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि अब नहीं चुप रहूंगी, बोल दूंगी। आज मुझे क्या हो गया? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मैं बकवास नहीं कर रही, मैं जानती हूं कि ये गलत है, बहुत गलत है। मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश और हवास में हूं। सरिश कुछ खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं। यही तो एक सच है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। सरिश, सरिश प्लीज जस्ट स्टॉप राइट देयर। आप बस कर देना, क्यों एक बेवफा औरत के लिए एक सच्ची मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं आप? देखो सरिश, मैंने तुम्हें कभी ऐसी नजरों से नहीं देखा। मैं जानती हूं कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती, लेकिन मैं बेबस हूं, मैं क्या करूं? सरिश, I'm really sorry. तो गलती मेरी, जब मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे इतना फ्रैंक हो रही हो तो मुझे शुरू में ही तुम्हें रोक देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। सरिश, देखो सरिश, ये मेरा ऑफिस है, प्लीज यार रोना मत करो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझे बच्चों की तरह बहलाना बंद कर। अब यहाँ खड़े होकर आपसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि आप इकरार भी नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं खुद को ही खत्म करूं। मैं खत्म कर लूंगी खुद को। इस घर में ना तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सबकी परवाह है, सिर्फ मैं ही कुछ नहीं। सारी जिंदगी आपके लिए है। वही तो नहीं चाहिए। माफ कर दो बेटा मुझे और जी लो अपनी जिंदगी, निकलो इस घुटनजदा माहौल से। यहां सवाए परेशानियों के और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आज रिश्ते वालों को बुलाया है मैंने, देखने आ रहे हैं वो तुम्हें और लड़का भी साथ आएगा। तुम तो ऑफिस जाके आना ही भूल जाती हो, इसलिए जब तक कि वो तुम्हें देख के नहीं चले जाते तुम ऑफिस नहीं जाओ। लेकिन अम्मी, इस बात पे मुझे मजीद कोई बहस नहीं करनी। तुम अपना फर्ज निभा रही हो ना, मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत तंग करती हूँ ना मैं तुम्हें, बहुत सताती हूँ ना? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। बेटा तुम मेरी जान हो, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं जानती हूँ अम्मी, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत डर के लिए मान, समझ नहीं आता है कि किस पे भरोसा करूं किस पे ना, किसकी तरफ देखूं किससे मांगूं। सच में आप सिर्फ अल्लाह ताला की जात से मांगे अम्मी, वो ही अता करने वाला।
अल्लाह ताला की जात से मायूस मत हो, छोटी छोटी आजमाइशों से मत घबराया करें। जिस तरह हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन है, हमारे दिन भी अच्छे होंगे अम्मी, इंशाल्लाह। सर जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी। शादीशुदा बेटियों के मामलात बहुत संगीन और नाजुक होते हैं बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। अपने ससुराल में अपनी माँ की नाक नहीं कटवाएगी, कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। बस बेटा, तुम्हारा पहला फर्ज तुम्हारा वो घर है, अपने शौहर के दिल को हाथ में रखना, अपने ससुर की खिदमत करना और अपने देवर को माँ जैसा प्यार दे। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूं? ईमान बेटा, मर्द औरत का मजबूत सहारा होता है। शौहर की रजामंदी में ही अल्लाह ताला की रजामंदी होती है। तुम्हें पता है शौहर की नाराजगी का मतलब है कि अल्लाह ताला की रजामंदी से मुंह मोड़ लेना। चलो शाबाश, फौरन आहद को फोन करो और उसे माफी मांगो, फिर मुझे फोन करना, ठीक है?
कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। दिल चाह रहा है कि जी भर के तुम्हें देखते रहो, लेकिन डर लग रहा है कि मेरी नजर ना लग जाए। अम्मी, मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है बेटा कि तुम आहत के साथ खुश हो या नहीं। खुशी का रंग तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। शौहर की मोहब्बत पाके औरत का रंग इसी तरह निकल जाता है। अम्मी, आहत बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस बेटा, तुम्हारी जुबान से मुझे यही सुनना था। मेरी बड़ी आरजू थी बेटा कि तुम अपने घर में सुख चैन से रहो। बस अब मैं मुतमईन हूं। अब तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी छोटी बेटी को भी थोड़ी अक्ल दे दे, ताकि उसकी तरफ से भी मैं फिक्र से आजाद हो जाऊं। आपके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। रोने के लिए आपकी गोद चाहिए। कहाँ हैं आप अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्यों छोड़ के चली गई है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने पास बुला ले प्लीज। सरिश, उठो यार, चलो अभी घर चलो। मैं मरना चाहती, नहीं रहना जिंदा। पागल मत बन, घर चलो अभी। कौन सा घर? हाँ, कौन सा घर जहां पर आपकी एक आदत बीवी रहती है? मैं अपनी मां को गवाह बनाकर कहती हूं, खुदा का वास्ता मेरे इन हाथों की तरफ देखो। तुम्हारी बहन का शौहर हूं, क्या हो गया तुम्हें? अरे अगर किसी और चीज की परवाह नहीं है तो अपनी मां की कब्र का ही ख्याल कर लो। सरिश प्लीज, मेरे और इम्तिहान मत लो।
देखो अभी घर चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं। प्लीज हेलो जीशान। और कितना सबर कितनी आजमाइश ईमान। मैं चाहता मैं तुम्हें फोन नहीं करता मगर मजबूर हो गया। तुम्हारी छोटी बहन ने अपनी असलियत तो दिखाई दी ना ईमान। मैं चाहता ना तो मैं उसे वहीं लेकिन तुम्हारा ख्याल आ गया। तुम्हारा शौहर वो भी इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से आज? हाँ वो एक इमरजेंसी। कम हुई इमरजेंसी? हाँ। सहरिश कहाँ मिली आपको? रास्ते में मिल गई थी मुझे। रास्ते में कहाँ? यार प्लीज इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। मैं थका हूं, मुझे आराम करना है।
तुम्हारी छोटी बहन ने अपनी असलियत तो दिखाई दी ना, तुम्हारा शौहर वो भी। अम्मी क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब जाएं इसी वक्त और उसे इस घर में वापस लेकर आएं। किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी, विमान की जिंदगी को तबाह करने पे तुली है। मैं नहीं छोड़ूंगा सरीश को। जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोले चले जाते हो। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी। चुप कर जाओ। तुम्हें पता भी है तुम आहत के बारे में क्या कह रहे हो? क्यों, वो क्या दूध से धुला हुआ है? क्यों नहीं कह सकता उसके बारे में कुछ भी? जब वो मेरे और ईमान के बारे में बहुत कुछ कह सकता है, आप लोग उसकी बात सुन सकती हैं, उसे सच मान सकती हैं और मेरे सच को झूठ बोल रही थी, तब क्या था? देखो जिशान, वो शफा का ससुराल है। जैसे आहत को गलत फहमी हो गई थी ना, तो मैं भी वैसी गलत फहमी हो गई है। गुस्से में बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ईमान समझदार है, सब कुछ संभाल लेगी। देखो तुम्हारा इंतहाई कदम सबकी जिंदगियां तबाह कर सकता है बेटा। खुदा का वास्ता है, मेरे इन हाथों की तरफ देखो। तुम्हारी बहन का शौहर हो क्या हो गया है तुम्हें? अरे अगर किसी और चीज की परवाह नहीं है तो अपनी मां की कब्र का ही ख्याल कर लो। आंखों से बहता नमकीन पानी मर्द के दिल पर तेजाब की बूंद की तरह होता है। आंसू देखे नहीं कि फौरन पिघल जाता है, नहीं तो सारी एनर्जी डाउन हो गई। रोना धोना कितना मुश्किल काम है। मेरी जज्बातियत ने आहत का दिल मेरी तरफ मोड़ दिया। लेट्स सी। जाने कब से मैं अंदर ही अंदर घुटके मर रही हूं। जिंदा हूं पर जिंदों में शुमार नहीं। लेकिन आज मैंने सोचा है कि अब नहीं चुप रहूंगी, बोल दूंगी। आज मुझे क्या हो गया? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मैं बकवास नहीं कर रही, मैं जानती हूं कि ये गलत है, बहुत गलत है। आपने चेंज नहीं किया अब तक? इतनी अचानक इमरजेंसी ने लगता है आपको बहुत परेशान कर दिया। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाह रही तुम? नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपके चेहरे का पसीना साफ साफ बता रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। क्या बता रहा? आराम का कहकर रूम में आए और फिर भी आराम नहीं किया। लगता है इस इमरजेंसी ने आपको वाकई बहुत बौखला दिया। ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे मुझे थोड़ी सी एंजाइटी फील हो रही।
ठीक है, आप शार ले ले, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। दिल फील पैक है। बात सुनो, मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम अपने काम से काम रखा करो। जी बाबू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, हाँ। तुमने नोट किया है कि तुम्हारा आने वाला बच्चा कितना लकी है? हमारा बिजनेस तेजी से रन कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। तुम जहां बिजनेस को देखना चाहते थे बेटा, वो टारगेट तुमने अचीव कर लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ही कम उम्र में तुम्हारे कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी थी, मगर मुझे खुशी है कि तुम उसमें कामयाब उतरे हो। शुक्रिया। मैं ये तो नहीं जानता कि आने वाला पोता है या पोती, लेकिन जो भी है मेरे दिल का टुकड़ा है। हाँ, मैंने आपस से वादा किया है कि मैं तुम्हारे बच्चे को उनसे मिलवाने जरूर लेके जाऊंगा। तुम और ईमान भी साथ चलना ना। हाँ तुम्हारी ये खामोशी बेटा मुझे कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और ईमान के झगड़े में बच्चे को नुकसान पहुंचे। आपको क्या लगता है मैं ऐसा चाहता हूं? अच्छा ठीक है, ईमान को आज डिनर पे जाना है, तुम तैयार हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम लोग दोनों के दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन बच्चे की खातिर मान जाओ। और फिर जो औरत उम्मीद से हो, उसकी जो भी ख्वाहिश हो, उसके बच्चे की भी वही ख्वाहिश होती है, वरना वो तो कभी किसी बात पे इसरार नहीं करती। अगर आज फरमाइश करती है तो कौन सा रोज रोज कहती है बेटा, न जाने उसके दिल में क्या है। जी बेटी, आपने बुलवाया मुझे? जी काका, सहयोग से कहें कि मैं उसे बुला रही हूँ। जी बेहतर है। जिस बहन को जिंदगी में जान से ज्यादा अजीज रखा, उसका वार तो पीठ पर खा लिया। अब यकीन ये चाहिए कि जिसका हाथ जिंदगी भर के लिए थामा है, वो जख्म देता है या मरहम। जी आप, क्या आपने बुलाया? मैं और राहत डिनर पे जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। क्या उन्होंने आपसे साथ चलने के लिए कहा है? नहीं, मेरा मूड हो रहा था। लेकिन उनका तो मूड बहुत खराब है, तुम्हें उनके मूड की इतनी फिक्र क्यों होती है? जाओ, जाके रेडी हो जाओ।
मजा आएगा। जी ओके, मैं चेंज करके आती। अच्छा सुनो, मेरी वार्डरोब से अगर कुछ चाहिए पहनने के लिए तो ले सकती हो। नो थैंक यू। अम्मी, जिशान भाई के इतना सब कुछ बताने के बाद भी आप सोच रही हैं कि क्या करना है? मैंने कहा ना, मैं जाकर ले आऊंगी। तुम दोनों बहन भाई मेरे सर पे क्यों सवार हो गए हो? हमें सच बात तो ये है कि आप परेशान हो रही हैं कि पता नहीं वो आपके साथ आए भी या नहीं। और अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो? वो तो हमें शुरू से ही पसंद नहीं करती है। हाँ, अगर शमीम हयात होती तो उसे डांट टपट कर ले आती। अब न जाने वो मेरे साथ आएगी क्या नहीं। तो आप माँ बन जाएं, हर खौफ से बेखौफ। वो माँ जो अपनी औलाद के लिए पहाड़ जैसी सख्त चीज से भी सामना करने का हौसला रखती है। अम्मी, ईमान आप ही ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इस घर के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे लिए कुर्बानियां दी। अम्मी, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम उनके आगे ढाल बन सके, उनके साथ खड़े हो सके। हमीद, आप ये कर सकती हैं। प्लीज आप उनका घर बचा लें और सहरिश को यहां लेना। काश तू भी कभी दिखाई दे।